दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने वाले हैं। अगर आप तलाश कर रहे हैं अपने लिए एक नौकरी की, तो कैनरा बैंक दे रहा है आपको एक सुनहरा अवसर। कैनरा बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने 450 वैकेंसी का नोटिस जारी किया है। इसके लिए कैनरा बैंक एक साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बैंकिंग और फाइनेंस में कराएगा, जिसके ख़त्म होने पर आप अपॉइंट हो सकते हैं सीधा प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO के पद पर। यह एक सुनहरा अवसर है उन लोगों के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। अब हम आपको बताएंगे वो ज़रूरी तारीख जिसका आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस यानी आवेदन प्रतिक्रिया पूरी हो सके। 9 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसी के साथ 31 जनवरी तक ही आपको इस फॉर्म की ऑनलाइन पेमेंट भी करनी होगी। 20 फरवरी से आप अपनी आवेदन प्रतिक्रिया पूरी होने पर परीक्षा का एडमिट कार्ड बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद आप 4 मार्च 2018 जो कि अभी एक टेंटेटिव तारीख है, इस दिन आप ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए बैठेंगे, जो आपका पहला चरण होगा इस वैकेंसी में अपनी जगह बनाने के लिए। इन 450 वैकेंसी में 227 पद हैं जनरल कोटे के, 67 हैं SC कोटे के, 35 हैं ST कोटे के और 121 पद हैं OBC कोटे के। इस पद के लिए आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2018। SC या ST कोटे के लिए 5 साल, OBC को 3, PWD को 10 साल और एक्स सर्विसमैन कोटे में 5 साल की छूट मिलेगी। इसके साथ साथ जनरल और OBC कैटेगरी में आपके ग्रेजुएशन में 60% नंबर होने अनिवार्य हैं। SC ST और PWD कैटेगरी के लिए 5% की इसमें भी छूट मिलेगी, यानी कि 55% नंबर होने पर आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पद के लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है और हिंदी भाषा भी आपको आनी चाहिए। कैनरा बैंक में इस पद को पाने के लिए आपको 3 राउंड का सामना करना होगा, जो है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। आइए अब हम आपको इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हैं। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट IBPS मुंबई द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जिसके हर गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स कटेंगे। इस टेस्ट के 4 सेक्शन होंगे, जो हैं रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। हर सेक्शन में 50 प्रश्न होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आपको 120 मिनट दिए जाएंगे 200 क्वेश्चन हल करने के लिए। ऑनलाइन टेस्ट क्लियर होने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू मिलाकर 50 नंबर का होगा। अगर आप ये 3 राउंड क्लियर कर लेते हैं तो आपको कैनरा बैंक की 6,000 शाखाओं में से किसी एक में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म यानी आवेदन प्रतिक्रिया के लिए SC ST और PWD कोटे के छात्रों को ₹118 और बाकी सबको ₹708 का फॉर्म 31 जनवरी तक भरना अनिवार्य है। कैनरा बैंक के इस पद के निवेदन के लिए आपको जाना होगा canarabank.com पर। इसका सीधा लिंक आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे भी ऐसी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।